सब्सक्राइब करें माय हिंदी टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एस बी आई एनीवेयर पर्सनल ऐप के वॉइस असिस्ट फ्यूचर के बारे में बताऊंगा और इस फ्यूचर की मदद से आप एस बी आई एनीवेयर के सर्विसेज को बोलकर ही यूज कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं माय हिंदी टिप्स। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने एस बी आई एनीवेयर पर्सनल ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको यहां पर एक माइक का आइकॉन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। वेलकम टू SBI Voice Assist। दोस्तों SBI Voice Assist फीचर की मदद से आप सिर्फ बोलकर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट के बारे में जान सकते हैं, मोबाइल टॉप अप कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं, व्यू एंड पे रजिस्टर्ड बिल कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तों आप बोलकर इस एप्लीकेशन को लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इस फीचर को यूज करने के लिए दोस्तों आपको इस माइक के आइकॉन पर क्लिक करना है और दोस्तों इनमें से जिस ऑप्शन को आप यूज करना चाहते हैं वो आपको इस माइक के सामने बोलना है। अगर दोस्तों आपको बैलेंस इंक्वायरी करना है तो आपको बोलना है बैलेंस इंक्वायरी और इसके बाद दोस्तों आपका बैलेंस यहाँ पर शो करने लगेगा। और अगर दोस्तों आप अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से इस माइक के आइकॉन पर क्लिक करना है और बोलना है मिनी स्टेटमेंट। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पिछले 10 ट्रांजेक्शन शो करने लगेंगे। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से बोलना है मोबाइल टॉप अप। Sure, please provide the details to recharge। और इसके बाद आप जिस कंपनी का रिचार्ज करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। Please enter the mobile number and amount। और इसके बाद आप जिस नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर एंटर करें और यहाँ पर आप जितने अमाउंट का रिचार्ज करना चाहते हैं उसे एंटर करें और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। प्लीज कंफर्म द मोबाइल रिचार्ज। और इसके बाद आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, उसके पहले आप अपना नंबर और अमाउंट अच्छी तरह से चेक कर लें, इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें और कंफर्म पर क्लिक करते ही आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। मोबाइल रिचार्ज ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। और इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं बिना उसे ऐड किए हुए तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोलना है क्विक ट्रांसफर। Sure, please provide the details to do quick transfer। और इसके बाद आप उस बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर ले जिस बैंक में आप पैसे भेजना चाहते हैं और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। Please enter the payee details and amount। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम एंटर करना है जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हैं और इसके बाद यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर एंटर करें और यहाँ पर दोस्तों आप जितना अमाउंट भेजना चाहते हैं उसे एंटर करें और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। और इसके बाद दोस्तों आपसे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, उसके पहले आप अकाउंट नंबर और अमाउंट अच्छी तरह से चेक कर लें और इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें। और जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेज दिया जाएगा। प्लीज एंटर द ऐप। वो पासवर्ड इस बॉक्स में ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास वन टाइम पासवर्ड नहीं आता है तो आप क्लिक हियर टू रिसेंड द ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं और इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें, आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्विक ट्रांसफर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। और अगर दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोलना है लॉग आउट। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम द एप्लीकेशन। और इसके बाद यस पर क्लिक कर दें, आप इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।